हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन टू द टेबल। तो कैसा लग रहा है ये ब्रेड पकोड़ा? लग रहा है ना बिल्कुल टेस्टी। आई एम योर होस्ट और आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर ब्रेड पकोड़ा। तो चलिए रेसिपी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज्ड और इसे मैं फोक की मदद से मैश करने वाली हूँ। इस तरह से आप इसे मैश कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें दाने रहने चाहिए। इसे हमें एकदम भी पेस्ट की तरह नहीं बनाना है। अब इसमें जाएगा 1 कप फाइनली चॉप्ड अनियन, इसे आपको बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। और अब यहाँ पर जा रहा है 5 से 6 ग्रीन चिल्ली, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर, घिसी हुई अदरक, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता डालूंगी अभी। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, अब डाल रही हूँ नमक एज पर टेस्ट स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे जा रहा है गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून यहाँ पे डाल दियो भुनी हुई जीरा और धनिया का पाउडर, और अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से मसालों को इसमें मिक्स करते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पे आलू मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब बनाएंगे हम बेसन का बैटर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक एज पर टेस्ट, जाएगा थोड़ा सा 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेसन को पहले हमें सूखा ही अच्छे से मिला लेना है पहले, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर इसका तैयार कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी में हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ये सेमी थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे मैं डाल के इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसे अच्छे से मिला लेना है। ये रेड चिली पाउडर मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कलर बहुत अच्छा लाता है जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया यहाँ पे और अब तैयार करेंगे हम अपना ब्रेड। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, और यहाँ पर कुछ पनीर की स्लाइसेस हैं। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेड की स्लाइस में ग्रीन चटनी अप्लाई करना है और दूसरी ब्रेड की स्लाइस में हमें टोमेटो का केचप अप्लाई करना है। इससे हमारे ब्रेड पकौड़ा का जो टेस्ट है और भी डबल हो जाने वाला है, स्वीट एंड स्पाइसी दोनों एट अ सेम टाइम हमें मिलने वाला है टेस्ट। और अब दूसरी स्लाइस में यहाँ पर एक जाएगा टोमेटो केचप, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ग्रीन चटनी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको चेक करना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। और अब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ आलू का मसाला, एकदम थिन लेयर में हमें इसे स्प्रेड करना है अच्छे से, और इसे हमें दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे लगाना है। मैं इसे स्प्रेड करते वक्त थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ चम्मच की मदद से, इससे ब्रेड पकौड़ा का जो शेप है वो अनइवन नहीं होगा, वो चारों तरफ से एकदम इक्वली होगा। और फाइनली यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पनीर की स्लाइस, और अब हम इसे दूसरी स्लाइस से कवर कर देंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है, इसे हम इस तरह से डायगोनली कट कर लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। और अब देखिए चटनी के लेयर्स कितनी खिल के आ रही है और इसका स्वाद भी आपको बहुत खिल के आने वाला है। इसे थोड़ा थोड़ा हम प्रेस कर लेंगे, क्योंकि प्रेस अगर नहीं करेंगे तो ये अगर हम डिप करेंगे बेसन में तब ये खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी ब्रेड पकौड़ा की भी तैयारी कर लूँगी।
तो यहाँ हमारे ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी है डीप फ्राई होने के लिए। इसे हमें डिप करना है सबसे पहले। तो ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और चेक कर लेंगे कि ये गर्म हो चुका है अच्छे से या नहीं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हमें डिप कर लेना है बैटर में। इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर करना है बेसन की गोल से। और इसे केयरफुली हमें गरम तेल में छोड़ देना है। ऊपर उंगलियों के जहाँ पे निशान बन रहे थे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर डाल दिया हाथ से। आप इसे बहुत केयरफुली कीजिए और इसे दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम पे रखा है। आप चाहे तो इसे कम तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे। यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल इस पे डाल रही हूँ साइड से। और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, हमें इसे अच्छे से छान के निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे इसे टिश्यू पेपर में निकाल लिया। सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे बाकी ब्रेड पकौड़ा तैयार कर रही हूँ। तो सारे ब्रेड पकौड़ाज यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कट करके इसका लेयर दिखाने वाली हूँ। इस रेसिपी को आप इस बारिश के मौसम में बिल्कुल ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए घर पर ये रेसिपी। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ। कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल किचन टू द टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।